इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ वालिदैन के कंधों पर बच्चों का जनाजा, लिहाजा इसी तरह की वारदात बेलगाम खानापुर में पेश आई हुई है। दो नौजवानों की तालाब में डूबने से मौत हुई है, जिससे खानापुर शहर में गम का माहौल है। हासिल इत्तला के मुताबिक उमेर मुस्तफ़ा खलीफा बाहरगली खानापुर और अरफात खालिद अरकोटी इतवार पेट खानापुर, दोनों की उम्र 16 साल, दोनों भी गहरे दोस्त थे, 11वीं में पढ़ रहे थे। लॉकडाउन से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लिहाजा घर में बैठकर बेजारी का इजहार करते थे। मुस्तफ़ा खलीफा का किराना की तिजारत है तो खालिद अरकोटी की गैरेज है। बाहर घूमने के बहाने तीन दोस्त एक ही गाड़ी पर बैठकर निकले। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो अरफात और उमेर को छोड़कर आधे रास्ते से ही दोस्त जो है वापस लौटा, लेकिन जब पलट कर फिर उसी जगह गया तो उमेर और अरफात नजर नहीं आए। हालांकि हालात्री तालाब की तरफ जाने की बात कहते हुए इसने सुना था, लिहाजा काफी देर हुई अरफात और उमेर घर नहीं लौटे तो हालात्री तालाब के किनारे कपड़े नजर आए, जहां पर मोबाइल भी था। पानी में डूबने का यकीन तो हुआ पर दोनों की लाशों का पता नहीं चला। आखिर आज इतवार के रोज दोनों की लाशों को उसी हालात्री तालाब से बरामद किया। हादसात वारदातें जब होती हैं तो कुछ इबरत भी हमें लेनी होती है। उन वालिदैन की क्या कैफियत होगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यकीनन जिंदगी मौत अल्लाह ही की कब्ज़ कुदरत में है, पर कुछ एहतियात इंसान को भी बरतनी चाहिए। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन अनगिनत ख्वाब सजाते रहते हैं, बच्चों की बेहतर तालीम के लिए खुद दिन रात कोशिश करते हैं, पर बच्चों की तमाम जरूरतों को मुकम्मल करते रहते हैं। लिहाजा बच्चों में भी एहसास होना चाहिए कि वालिदैन जो हिदायत मशवरे देते हैं उस पर अमल करें। यह तो एक हादसा था जिसमें जवानी की दहलीज पर कदम रखे दो नौजवान वक्त से पहले ही अपनी जिंदगी के सफर को अलविदा कहा, लेकिन ऐसे कई घरों में बच्चे किसी न किसी बहाने वालिदैन के साथ बहस मुबाहसे करते रहते। वालिदैन अपनी कुव्वत ना होने के बावजूद भी किसी तरह की कमी नहीं होने देते, इस पर तवज्जो देते रहते हैं और यही मोहब्बत बच्चों को वालिदैन से दूर ले जाती रहती है। आज के बच्चों को वालिदैन के मशवरे अच्छे नहीं लगते। दोस्तों के साथ घूमना, देर रात तक घर से बाहर रहना गुमराही का सबब बन सकता है। मुस्लिम माशरे के नौजवान मुख्तलिफ खुराफात में मुलव्वस नजर आ रहे हैं। आखिर क्या होगा मुस्तकबिल? आने वाले दिन चुनौतियों से भरे होंगे, कैसे बेहतर मुस्तकबिल संवारेंगे? वारदातें हादसे होते रहते हैं, लिहाजा इनसे कुछ सीख हमें लेनी होगी। बच्चों में वालिदैन की जान होती है और अगर बच्चे ही बेवजह जान बहक हो तो आखिर वालिदैन का क्या? खानापुर में उमेर और अरफात की मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मरहूमों को जन्नत नसीब फरमाए और वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।